यह रास्ता आपको उस खजाने की ओर ले जाएगा जिसके सही हकदार आपके गांव के लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस खजाने को समान रूप से लोगों के बीच बांटेंगे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इतनी सारी चीजों का समान बंटवारा कोई आसान काम नहीं, पर कोई बात नहीं, कोशिश करके देखते हैं। पहले हम चीजों की यादी बना लेते हैं। हमारे पास है 100 सिक्के, 20 मूर्तियां और 60 अंगूठियां, और हमारे गांव में 20 परिवार रहते हैं। चलिए पहले मूर्तियों का हिसाब लगा लेते हैं। हमारे पास 20 मूर्तियां हैं और 20 परिवार, मतलब हर एक परिवार को एक एक मूर्ति दे दी तो हो गया समान बंटवारा। अरे वाह, ये तो आसान था। चलिए अब अंगूठियों का हिसाब लगा लेते हैं। पहले हम सभी 20 परिवारों में एक एक अंगूठी बांटेंगे, तो बची 40 अंगूठियां। फिर हर एक परिवार में एक एक अंगूठी बांट दी जाएगी, मतलब 20 अंगूठियां बांट दी जाएंगी, तो बची 20 अंगूठियां। अब ये भी हर एक परिवार में एक एक करके बांट दी जाएंगी, तो अब सब समान बट गई हैं। जब हमने 60 अंगूठियों को 20 परिवारों में बराबर से बांटा, तो हर एक परिवार को 3 अंगूठियां मिली। अब यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे 100 सिक्के बांटने के लिए। पहले हम सभी 20 परिवारों में एक एक सिक्का बांटेंगे, तो बचे 80 सिक्के। फिर हम हर परिवार में एक एक सिक्का और बांट देंगे, मतलब 20 सिक्के और बांट दिए, तो बचे 60। अब इन 60 सिक्कों में से 20 सिक्के और बट गए, तो बचे 40। हर एक परिवार को और एक सिक्का मिल गया, तो बचे 20। अब ये भी हर परिवार में बांट दिए जाएंगे, तो अब सब समान रूप से बट चुके हैं। जब हमने 100 सिक्कों को 20 परिवारों में बराबर से बांटा, तो हर परिवार को 5 सिक्के मिले। चलिए अब काम हो गया। अरे अरे, कहाँ चले? खजाना अभी खत्म नहीं हुआ। पेपर और पेंसिल उठाइए और कुछ वस्तुएं और उनकी संख्या लिखना शुरू कर दीजिए। हीरे 40, मोतियों की माला 80, कीमती पत्थर की बालियां 100। आप इन वस्तुओं का समूह बनाएं और इन्हें 20 परिवारों में बराबर से बांटें। अब खजाना जो मिला है, कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। फिर मिलेंगे।